सामने दोस्तों, आई एम सैयद यासर, वेलकम टू माय ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग चैनल। दोस्तों आज हम ये सीखेंगे कि अगर हम किसी फाइल में अपनी एक्सेल की फाइल में मैक्रो कमांड को यूज करते हैं और उसके बाद उस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं और फिर अगेन अगर हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें हमने जो मैक्रो कमांड अप्लाई की होती है वो इनेबल हुई हुई है या नहीं, यानी डिसेबल इनेबल का ऑप्शन एक होता है, वो उसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है या नहीं, इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी फाइल को इनेबल कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप पे फाइल बना के रखी हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें मैंने मैक्रो कमांड को यूज किया है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया था सिक्योरिटी वार्निंग के नाम से, और यहाँ पे लिखा हुआ आया था मैक्रोस हैव बीन डिसेबल, यानी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने एक कमांड लगाई थी जो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया था कि हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं मैक्रो के जरिए। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे डेटा बनाया है और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है ये ऑटोमेटिक जो है इस शीट के ऊपर जो मेरा क्लियर काम है जिसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुई इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो अप्लाई करने से पहले मुझे यहाँ पे लिखा हुआ सिक्योरिटी वार्निंग, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना है मुझे और यहाँ से मुझे इनेबल करना लाजमी है, लिखा हुआ इनेबल दिस कंटेंट, तो इस पे मुझे क्लिक करना और ओके। अगर मैं ये कमांड नहीं करता हूँ, ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ये जो सिक्योरिटी वार्निंग दी गई है, अगर मैं इसके मुताबिक अमल नहीं करता हूँ तो मेरा जो मैक्रो कमांड जो मैंने अब बना के रखी है अकॉर्डिंग वो यूज नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ओके करता हूँ और ओके करने के बाद अब देखिए मेरे पास जो ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा था वो जा चुका है। और अब मैं जाता हूँ डेवलपर टैब में और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ व्यू में जाता हूँ मैं, ठीक है, और मैंने बना के रखा हुआ है तो मैं मैक्रोस में जाता हूँ, व्यू मैक्रोस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है रिकॉर्ड वन के नाम से इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखिए ये मेरी जो कमांड है वो अप्लाई हो चुकी है, अप्लाई जब भी हुई है जब मैंने उसको इनेबल किया है। इसके अलावा अगर कुछ लोग एमएस ऑफिस 2010, 13, 16 या कोई भी यूज़ कर रहे हैं और अगर ये ऑप्शन नहीं दे, यानी ये जो वार्निंग का ऑप्शन था वो नहीं शो हो रहा हो, तो आपको जाना है डेवलपर टैब में और यहाँ पे लिखा हुआ मैक्रो सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है डिसेबल ऑल मैक्रोस विदाउट नोटिफिकेशन, यानी अब जब आप मैक्रो वाली फाइल ओपन करते हैं तो विदाउट नोटिफिकेशन आपके तमाम मैक्रोस को डिसेबल कर देगा, तो आपको इस पे चेक नहीं लगाना है। सेकंड नंबर पे है डिसेबल ऑल मैक्रोस विद नोटिफिकेशन, यानी अगर आप किसी फाइल को यूज करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि भाई इस फाइल में आपको मैक्रो यूज करना है तो उसको इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा जैसे अभी आ रहा था। और फोर्थ नंबर पे देखें इनेबल ऑल मैक्रोस नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, कोड के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर अपनी फाइल पे मैक्रो लगाया हुआ है और अगर आप इस पे चेक लगा देते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछेगा नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा, लेकिन आपकी जो मैक्रो कमांड जो आपने अप्लाई की हुई थी वो एक्टिव रहेगी इनेबल रहेगी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि रन हो जाएगी फौरन कमांड, ठीक है, जब आप रन के ऑप्शन में जाके करोगे तो वहीं से रन होगी। ओके, तो हम क्या करते हैं इस वीडियो में, हम क्या करते हैं अपनी इसमें फाइल में डिसेबल ऑल मैक्रोस विद नोटिफिकेशन हम इस कमांड पे लगाते हैं, हमारे मैक्रोस अगर लगा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली हम जब फाइल को ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसको डिसेबल करना है, इनेबल करना है या नहीं करना, तो हम सेकेंड नंबर पर चेक लगाएंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। और अगर आप 2016 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो है, मैं दोबारा आपको फाइल दिखाता हूँ उसमें क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, अगर आप 2016 यूज़ कर रहे हैं और मैक्रो लगी हुई फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन की जहाँ पे डायरेक्ट आ रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ इनेबल दिस कॉन्टेंट, ठीक है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका मैक्रो इनेबल हो जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज है जो मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और मैक्रो सीखते हुए, ताकि आप ये स्टेप बाई स्टेप तमाम चीज़ें सीखते जाएं, ठीक। तो ये कमांड बताना मैं ज़रूरी समझता था, तो आई होप आप लोगों को ये कमांड समझ आ गई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।